हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजेलिक मैनर। मैं हूं चित्रा। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही एक हॉट ग्लू गन का रिव्यू, साथ में आप ये भी जानेंगे हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज़ है, यदि आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। और यदि आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काम नहीं भी करते हैं तो भी ये टूल आप घर में रख सकते हैं। हमारे घर में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें कि हमें हॉट ग्लू गन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम चिपकाना या फिर उसे जोड़ना हो तो वो फेविकोल या फेविक्विक से नहीं हो सकता है संभव, तो इसके लिए हमें एक हॉट ग्लू गन की ज़रूरत होती है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए जो कि मैंने DIY के नाम से बनाया है, तो आप देखेंगे कि मैंने उसमें शायद ही कोई DIY होगा जिसमें कि मैंने ग्लू गन को यूज़ नहीं किया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या यूज़ इससे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्रांड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे ये ग्लू गन अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये सोलिमो ब्रांड का हॉट ग्लू गन है जिसे मैंने ऑनलाइन खरीदा है, जो कि 70 वाट का है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्राफ्टिंग का काम करते हैं तो आप हैवी वाट का ग्लू गन ले सकते हैं, नहीं तो छोटे मोटे काम के लिए जैसे 20-30-40 वाट ये सब आप ले सकते। इसमें 11 mm का ग्लू स्टिक लगता है और इसके साथ कोई ग्लू स्टिक नहीं आता है, वो हमें अलग से ख़रीदना होता है। मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लग रहा है इस कंपनी का, मुझे लगता है एटलीस्ट 5 ग्लू स्टिक ज़रूर होना चाहिए था इसके साथ, क्योंकि कोई अगर पहली बार यूज़ करने के लिए इसे ख़रीदते हैं तो उन्हें अलग से ग्लू स्टिक ख़रीदना पड़ेगा, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। इसे सोलिमो ब्रांड इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हॉट ग्लू गन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो दिया हुआ अनुदेश होता है वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे इसका उपयोग करते हैं। इसी पेज में आप जब नीचे जाते हैं तो आपको और भी बहुत सारे ग्लू गन देखने को मिल जाते हैं और रिव्यू आप देख सकते हैं जो लोगों ने शेयर किया हुआ है, काफ़ी अच्छा रिव्यू है इसका। पैकेजिंग कुछ इस तरह से थी जब मैंने इसे रिसीव किया था, ये हॉट ग्लू गन को। इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, पूरी जो बॉडी है वो प्लास्टिक के, इवन इसका नोज़ल भी प्लास्टिक का ही है। नोज़ल मेटल का नहीं होने की वजह से ये एक अच्छी चीज़ है इस हॉट ग्लू गन के साथ, कि इससे हमारे हाथ नहीं जलते जब हम काम करते हैं। इस हॉट ग्लू गन का क्लच जो है वो काफ़ी स्मूथ है, इससे ये होता है कि जब हम काफ़ी देर तक काम करते हैं तो हमारे हाथ में दर्द नहीं होता। इसका वेट बहुत ही हल्का है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इससे ये होता है कि हम काफ़ी देर तक इसे कैरी कर सकते और हमें काम करने में दिक्कत भी नहीं होती है। इसकी वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो लंबाई है वो करीब 1.5 मीटर की है और ये ISI सर्टिफाइड है। इसके साथ प्लास्टिक का ही फोल्ड आउट स्टैंड दिया हुआ है जो आप इस तरह से लगा सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे होते। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, डिपेंड करता है आप इसे कितना यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल दिया हुआ है, इसी में हमें ये सिलिकॉन का जो ग्लू स्टिक है वो हमें डालना है। ग्लू स्टिक को हमें थोड़ा सा प्रेस करना होता है तो ये अंदर चला जाता है और हल्के से हमें इसे घुमाना भी होता है। और क्लच को हमें 3-4 बार इस तरह से चलाना होता है ताकि ये अंदर सेट हो जाए। यहाँ पे हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब तक हम इसमें ग्लू स्टिक ना डालें तब तक हम प्लग को जो है वो ऑन ना करें। इसमें कोई पावर बटन नहीं दिया हुआ है ऑन ऑफ का, हमें खुद से 2 मिनट के बाद इसे चेक करना होता है। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है, जब ये गर्म हो रहा होता है तो ग्लू स्टिक निकालना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका जो ग्लू गन है वो ख़राब हो जाएगा और ना ही हमें क्लच को चलाना होता है। बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखना होता है जब हम इससे काम करते हैं, काफ़ी हानिकारक होता है ये छोटे बच्चों के लिए। तो 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह से ये ग्लू मेल्ट होके बाहर आने लगता है जैसे ही क्लच को प्रेस करते हैं। तो जब ये मेल्ट होने लगा तो समझिए कि ये काम करने के लिए रेडी है।
जब ग्लू स्टिक ख़त्म होने पे होता है तो दूसरा स्टिक कुछ इस तरीके से डालते हैं। जो पहले से अंदर में ग्लू स्टिक है उसे निकालना नहीं होता है, उसके पीछे ही इस तरह से हम स्टिक को डालते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका उपयोग हम किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। बच्चों के जो आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट हमें कराने होते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है, इसलिए आप एक हॉट ग्लू गन ज़रूर रखिए अपने घर में। जब आपका काम पूरा हो जाए तो हॉट ग्लू गन का जो प्लग है उसे निकाल के ही रखना चाहिए। तो हमारे बहुत से ऐसे बैंगल्स होते हैं, ये रिंग्स होते हैं स्टोन्स वाले, जो कि अगर उसके स्टोन निकल आते हैं तो हम उन्हें पहन नहीं सकते और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं घर पे। तो अगर हम एक हॉट ग्लू गन रख लेते हैं तो वो हम दोबारा से उसे पहन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी एक ईयर रिंग है जिससे कि स्टोन्स निकल आए हैं और मैं इसी हॉट ग्लू गन को यूज़ करके दोबारा से पहनने लायक बना लिया। तो आप देख सकते हैं हम हॉट ग्लू गन का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं अगर आर्ट एंड क्राफ्ट करें, और साथ में घर के काम के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये एक साड़ी रेडी किया है फैब्रिक लेके, और इसका बॉर्डर लगाने के लिए अगेन मैंने हॉट ग्लू गन का ही उपयोग किया है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं इसकी मदद से। जब भी किसी कपड़े पे आप हॉट ग्लू गन का उपयोग करते हैं तो कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा या फिर लकड़ी का स्टिक से ही काम करें, नहीं तो हाथ जल सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।